मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाए। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हम हिंदू शेर हैं, भगोड़े नहीं हैं। हम ललकार का काम करते हैं क्योंकि हम हनुमान जी के चेला। मुंबई में बाबा का दरबार सजने वाला है, लेकिन उनके अपने घर बागेश्वर धाम में उनके खिलाफ भीम आर्मी ने झंडा बुलंद किया है। एक तरफ स्वागत की तैयारी, दूसरी तरफ बाबा के खिलाफ नारे लग रहे हैं। बाबा से जुड़े विवादों का ये अगला एपिसोड है। मुंबई के मीरा रोड में जहां शनिवार को बाबा का दरबार लगने वाला है, वहां भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया। मुंबई के मीरा रोड इलाके में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम 18-19 मार्च को होना है। पूरा यहां पर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन जो उनके भक्त हैं उनका आना दूर दूर से आज से ही शुरू हो गया है। क्या क्या मांगने के लिए आई हुई हैं? अब जो बाबा दे दे वही ले ले। हमारे अर्जी लगवाने आए हैं, बाबा के यहाँ दर्शन करने आए हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जमीन पर बाबा फिर विवादों में फंस गए हैं। पिछली बार नागपुर के कार्यक्रम पर अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने सवाल उठाए थे, इस बार महाराष्ट्र कांग्रेस बाबा के पीछे पड़ी है। अगर इस तरह का अगर महाराष्ट्र में संतों का और महापुरुषों का अपमान किया जा रहा हो, तो ऐसे व्यवस्था को, ऐसे विचारधारा को बीजेपी सम्मानित कर रही है, तो बीजेपी का असली रूप सामने आ रहा है और इसका विरोध करना हमारा काम है। नाना पटोले ने बाकायदा महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखकर बाबा के कार्यक्रम को रोकने की मांग की। वजह है धीरेन्द्र शास्त्री का संत तुकाराम पर दिया वो विवादित बयान, जिस पर बवाल बढ़ने पर बाबा को माफी मांगनी पड़ी थी। क्षोभ पहुंचा, उसके लिए हम साधु भाव में यही कहेंगे कि आप अपने मन में क्षोभ ना लें, हम अपने शब्दों को पुनः वापस लेते हैं, परंतु हमारा ध्येय संत तुकाराम के लिए बहुत दृढ़ है, बहुत उच्च श्रेणी का है। वैसे बाबा पर कांग्रेस के स्टैंड पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता कमलनाथ बाबा के आगे नतमस्तक दिखे थे, वहीं मुंबई में कांग्रेस के नेता नाना पटोले बाबा का विरोध कर रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है, क्या कांग्रेस बाबा बागेश्वर के मुद्दे पर सुविधा की राजनीति कर रही है? बागेश्वर बाबा धाम सरकार ने सार्वजनिक तौर पे उन्होंने जो भी कहा तुकाराम जी के लिए उसकी माफी मांगी है। संत तुकाराम जी खुद जब उनको वेड़ा तुका कहते थे तो लोगों को माफ कर देते थे, हंस के वहां से निकल जाते थे। कांग्रेस दल बड़ा कंफ्यूज दल है। एक ओर उनके कमलनाथ जी उस मंच पर जा रहे हैं, दूसरी ओर महाराष्ट्र का कांग्रेस दल उसका विरोध कर रहा है, तो ढोल एक तरफ से बजाए, अब दोनों तरफ से ढोल बजाओगे। लेकिन बाबा की चिंता सिर्फ मुंबई वाला प्रोग्राम ही नहीं बढ़ा रहा, उनके अपने गृह जिले छतरपुर में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम की गढ़ा गांव में एक दलित परिवार के साथ की गई मारपीट के मामले में कार्रवाई न होने से भीम आर्मी ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। छतरपुर से ब्रजेश राजपूत और मुंबई से राजेश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज़।